कहाँ बीमारी का जिक्र कर दिया यार, मुझे नहीं पता कोई। उस्मान बुज़दार साहब ने सूबाई वज़रा से ईद के बाद कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की है और ये बताएं कि क्या दारुल्हुकूमत इस्लामाबाद में भी वज़रा से कोई इम्कान है इनकी? मेरा नहीं ख्याल, इस्लामाबाद में कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, जहाँ तब्दीली होनी थी वहाँ वजारत इतलात में हो गई है, और बुज़दार जाने और उसका काम जाने, जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है कारकर्दगी कारकर्दगी है, किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैंने आपसे कह चुका हूं 10 मरतबा, आप ख़बर को मैं दोहराना नहीं चाहता, 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकतें होंगी, 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा, और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना है, मैं कोई वो मंत्री नहीं हूँ या कोई प्रॉमिस नहीं हूँ, 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें, और शहबाज शरीफ बड़े टारजन बने हुए हैं कि मैं यहाँ रहूँ, उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया है और मैं जा रहा हूँ ECL में, तो वो टारजन बन रहा है, ये सारे बिजनेसमैन हैं, उसको पता है कि वो जा रहा है ECL में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, वॉच लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, अब अगला मरला ECL में है, वो किसी लम्हे उसका नंबर आ जाए। चीनी स्कैंडल में जो लोग आए हैं, कौम माफ़ नहीं करेगी, और हमें, हमने अगर ज़रा सी भी कोताही की तो कौम हमें भी माफ़ नहीं करेगी। देखें जी, हम वहाँ मौजूद हैं, कोई शख्स ख़त्म नबूवत की मुखालफत में, हम नामूस रसालत के सपाही हैं, किसी की जरूरत नहीं, ये छोटे मोटे लगे रहते हैं, लगे रहें, यहाँ फैसले का वक्त होगा। आज IPP का नया बोर्ड बन गया है इन्वेस्टिगेशन का, जो बारगेन करेगा, जिसका यकूब बाबर जिसको हेड बना दिया गया है, और उसमें बैरिस्टर दाऊद और मोहम्मद अली भी होंगे। सो IPP की बड़ी खबर आज यही है, और ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर है कि IPP की नेगोशिएशन के लिए कमेटी, आज सब कमेटी फॉर्म कर दी गई है एनर्जी कमेटी ने, और इंशाल्लाह ताला चीनी वाले, आटे वाले, IPP वाले सब आवाम के सामने बेनकाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।